नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वे नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों से जीएसटी छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने संबंधी प्रतिषेध आदेश एस्मा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अब अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्य से इनकार करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपने ओडिशा प्रवास के दौरान आज ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक कल 13 जुलाई से तमिलनाडु के ऊटी में होने जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में आगामी 14 जुलाई को रायपुर में राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति की बैठक होगी। बोर्रा गोहालू और करकावालसा के बीच भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर बीते 18 घंटे से बाधित यातायात को बहाल कर दिया गया है। इस रेल मार्ग पर अभी सिर्फ मालगाड़ी चलाई जा रही है, वहीं पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस 14 जुलाई तक रद्द रहेगी। गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ के पूर्व विधायक ओमकार शाह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में आगामी 16 जुलाई से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है, जो बस्तर संभाग से शुरू होकर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज राजधानी रायपुर में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया और नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।